रामलला की संपूर्ण तस्वीर सामने आ चुकी है। हालांकि गर्भगृह में जो मूर्ति लगाई गई है उसका चेहरा ढका हुआ है, आंखों पर पट्टी बंधी है। रामलला की आंखों की पट्टी को पीएम मोदी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान हटाएंगे। उससे पहले ही न्यूज 18 पर हम आपको दिखा रहे हैं भगवान राम के बाल स्वरूप की ये तस्वीर। मुस्कुराता हुआ चेहरा आप श्री राम का देख पा रहे हैं, जो मुस्कुरा रहे हैं। 5 साल के बालक का ये स्वरूप है और उनकी एक भुजा जो है ऊपर की तरफ, एक हाथ ऊपर की तरफ उठा हुआ है, जबकि दाहिने हाथ को आप देखेंगे तो वो सामने की तरफ है। और ऐसा लग रहा है देखकर कि यहाँ तीर और धनुष रखने के लिए जगह बनाई गई है। वहीं आपको चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है, माथे पर तिलक आप देख सकते हैं। बाल स्वरूप रामलला की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और इस मूर्ति में जो आपको चारों तरफ एक आकृति नजर आ रही है, उस पर भगवान विष्णु के 10 अवतार अंकित हैं, ओम लिखा हुआ, स्वास्तिक बना हुआ। ये वो तस्वीर है जिसका इंतजार राम भक्तों को था। अब ये मूर्ति बनकर तैयार हो चुकी है। 6 महीने का वक्त लगा इस प्रतिमा के निर्माण में। इस प्रतिमा में कहीं कोई जोड़ नहीं है। एक बड़ी से शिला को काट कर अरुण योगीराज ने ये प्रतिमा उकेरी है। भगवान रामलला की प्रतिमा उन्होंने बनाई है। जो प्रतिमा स्थापित हो चुकी है, परसों रात ही प्रतिमा मंदिर परिसर लाई गई थी क्रेन के जरिए। न्यूज 18 पर हमने आपको वो तस्वीर भी दिखाई थी। कल 4 घंटे के विधिवत पूजा के बाद मूर्ति को स्थापित किया गया और आज ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आंखों पर पट्टी नहीं है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज 18 पर जारी है। ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। अयोध्या में राम जन्मभूमि पथ को सजाने का काम चल रहा है। राम जन्मभूमि पथ के किनारे नक्काशीदार बनाए गए दीवारों को सजाने का काम तस्वीरों के जरिए हम आपको भी दिखा रहे हैं। देखिए जरा ये दीवारें जो बनाई गई राम जन्मभूमि पथ पर। इस पथ की दूरी 500 मीटर की है। पूरे रास्ते पर ये नक्काशीदार दीवार है। अब इस दीवार को सजाने का काम चल रहा है। राम जन्मभूमि पथ की दीवार को फूलों से सजाया गया है, लिहाजा रामनगरी पहुंचे श्रद्धालु यहां सेल्फी भी ले रहे हैं। कई सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं और ये वही पथ है जहां पर श्रद्धालुओं को धूप और बारिश में बचाने के लिए छज्जे की भी व्यवस्था की गई है।